हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो आप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने कल की वीडियो में देखा था कि शास्त्री पार्क से लेकर और खजूरी खास तक, दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं खजूरी खास पे। देख सकते हो ये है पिंक लाइन का मेट्रो स्टेशन, कॉन्कोर्स लेवल पहले ही बन गया था, प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है। और देख सकते हो ये पिलिया पियर कैप का काम किया जा रहा है। और दूसरी साइड में दोस्तों ये बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जिस पर गगनचुंबी आपको पियर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि ये खजूरी खास पर एक तो पिंक लाइन मेट्रो का बायोडक्ट को क्रॉस करेगा, दूसरा ये फ्लाईओवर को क्रॉस करेगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर ये ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पिलर्स आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे और उनके ऊपर दोस्तों पियर कैप का काम किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो, केपी संत ऐसे ही वीडियोस आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता है, इंफॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। लेकिन गुजारिश आपसे एक है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों केपी संत लाता रहता है, आप लोगों के इंफॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से चलते हैं आगे और दिखाते चल के आप सभी को ये ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से आता है और कहाँ पे टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, क्या क्या अभी वर्क किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ना देर करते हुए। दोस्तों देखो आप लोग तस्वीरें, अब यहाँ पर देखो ये तो खजूरी खास पे जो पिंक लाइन को और फ्लाईओवर को क्रॉस करेगा, इसलिए पिलर की हाइट ज़्यादा दिखाई देगी आप लोग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएँगे पुश्ते पर, तो आप लोगों के इन पिलरों की हाइट बिल्कुल नीचे होती चली जाएगी। तो देख सकते हो सेटिंग लगी हुई है और सेटिंग लगा के आप पियर कैप बनाने का काम किया जा रहा है। और पियर कैप की सेटिंग देखो, यहाँ सरियाओं का ये जाल बनाया जा रहा है, पियर कैप बनाया जा रहा है दोस्तों। इधर तो ये पियर कैप बन चुके हैं दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आप लोगों को दिखाते हुए चलेंगे क्या 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 वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे, क्या क्या किया जा रहा है, कितना वर्क कंप्लीट हो चुका, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप सभी को दोस्तों केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को हर जगह के अपडेट देखने के लिए मिले। देखो यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है, अब इस पर फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों। सेटिंग देखो ये इन्होंने लगा दी है, तस्वीरें देख सकते हो। यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में देखो फ्लोरिंग के लिए इसमें सेटिंग लगाई जा रही है और ये जो आई गटर्स हैं इनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम कंप्लीट हो चुका है, अब फ्लोर वर्क किया जा रहा है दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे ये ग्राउंड लेवल पर आता चला जाएगा दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो ये अभी तो फ्लोर वर्क का ही काम चल रहा है, आगे देखेंगे चल के कि आगे क्या क्या वर्क किया जा रहा है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देखो यहाँ पर ये पैराफिट वॉल बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें सरियाओं का जाल बना दिया पैराफिट वॉल का, अब इसमें कॉन्क्रीट भरा जाएगा तो उसी की देख सकते हो ये सेटरिंग लगाई जा रही है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। तो यही चल रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों बनाया जा रहा है, क्योंकि सन 2024 के दिसंबर में इसको ऑपरेशन कर दिया जाएगा, NHAI को हैंडओवर कर देने के बाद में इसको आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों ये। और आपको बता दूं दोस्तों ये 38 किलोमीटर का रूट दोस्तों ग्राउंड फील्ड है, यानी कि ब्राउन फील्ड है दोस्तों, यानी कि पुराने रोड को उसी में नया रोड बनाया जा रहा है, यानी कि चौड़ा किया जा रहा है दोस्तों। तो 6 लेन तो आप लोगों को बता दूं कि इसमें एक्सिस कंट्रोल्ड होने वाली है और 6 लेन लोकल ट्रैफिक के लिए होने वाली है दोस्तों। तो यही है सारा एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है, देख सकते हो जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है गावर कंस्ट्रक्शन द्वारा इस रूट को बनाया जा रहा है, यानी कि जो दिल्ली के पैकेज में फर्स्ट पैकेज है वो गावर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है दोस्तों। अब जैसे ही फर्स्ट पैकेज का दूसरा पैकेज स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही सीगल इंडिया लिमिटेड कंपनी काम कर रही है दोस्तों, वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ये कंक्रीट की लेयर बिछा दी, अब इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा और ये रैपिड एक्शन फोर्स की ये दीवार बनाई जा रही है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल ही रोड से चिपकी हुई है आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये लोकल ट्रैफिक के लिए ये वाली लाइन बनाई जा रही है जिस पर आप लोग ये कॉन्क्रीट बिछाया गया है, देखो आप लोग तस्वीरें। और यह है
रैपिड एक्शन फोर्स देखो आप लोग 103 तस्वीरें देख सकते हो। यहाँ पर भी ये ड्रेनेज बना दिया, अब इसमें मिट्टी डाली जा रही है, मिट्टी डालने के बाद में इसको लेवल किया जाएगा, लेवल कर देने के बाद में इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। और थोड़ा सा भी अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कॉमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो आप दूसरी साइड में हम मैं आ चुका हूँ आप सभी को लेकर। तो देखो इसमें आर ई पैनल्स को लगाया जा रहा, आर ई पैनल्स को लगाने के बाद में दोस्तों इसमें मिट्टी डाली जा रही है और ये आर ई पैनल्स को रोकने के लिए दोस्तों इसमें कंपोनेंट लगाया जाता है ताकि ये मिट्टी खिसके ना बाहर की साइड जब बारिश पड़े, और इसमें बेल्ट लगाई जाती है इस आर ई पैनल्स को रोकने के लिए दोस्तों। तो देखो यही दिल्ली साइड में यही वर्क चल रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी लंबा चौड़ा स्ट्रेच है। अब आपको बता दूं ये जहाँ से ये आर ई पैनल्स को लगाया गया है दोस्तों उससे राइट हैंड पे ये थ्री लाइन इस साइड यानी कि एक्सिस कंट्रोल्ड होने वाला है दोस्तों। इसमें मतलब कि जो लोकल ट्रैफिक के वाहन है वो बिल्कुल नहीं पड़ सकते हैं, बिल्कुल अंदर नहीं आ सकते हैं दोस्तों। इनकी एंट्री बस भारी भार रहेगी सर्विस लेन के लिए, जो जिन्हें देहरादून जाना है या आपको बता दो ये बागपत बड़ौत शामली सहारनपुर जाना है तो वो ही इस लेन के अंदर आ सकते हैं, यानी कि जो एक्सिस कंट्रोल्ड लेन होने वाली हैं जो सिक्स उन्हीं के अंदर जा सकते। देखो ये पैराफिट वॉल रखे हुए हैं बना बना के यहाँ पर दोस्तों। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे और आगे का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं चल के दोस्तों, क्या आगे क्या क्या वर्क किया जा रहा है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसे ही मैं वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। देखो ये यहाँ से ये आधा रोड तोड़ दिया है, इसकी मिट्टी हटा दी है, अब इसमें आर ई पैनल्स को लगाया जाएगा, फिर उसके बाद में मिट्टी डाली जाएगी, तब इसको ऊँचा किया जाएगा, कंक्रीट कंक्रीट डाला जाएगा। देखो जैसा यहाँ पर ये डाला गया है देखो आप लोग, अब इसमें साइडों में पैरा फिटबॉल लगा दिए जाएंगे, उसके बाद में इसमें ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने आगे दिखाया है कि किस तरीके से ये पैरा फिटबॉल को जोड़ते हैं कनेक्ट करते हैं वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देख सकते हो दोनों साइडों में इधर ये जो रखे हुए हैं ना लेफ्ट हैंड पे पैरा फिटबॉल, यही इसके ऊपर दीवारों पर रख दिए जाएंगे, फिर इनको जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो यही नज़ारा है देखो, यहाँ पर ये आरी पैनल्स को लगाया जाएगा, फिर इसमें कंपोनेंट लगाया जाएगा, उसके बाद में फिर इसको बेल्ट को लगाया जाएगा ताकि ये मजबूती के साथ में ये दोस्तों आरी पैनल्स रुक सकें, इसीलिए यहाँ पर ये बेल्ट और कंपोनेंट लगाया जाता। कंपोनेंट तो इसलिए लगाया जाता है कि बारिश का पानी इसमें ज़मीन धंस ना पाए। और देखो यहाँ पिलर के द्वारा इसको मतलब अंडरपास को बनाया गया है दोस्तों, ये देख सकते हो सारा वर्क इसी तरीके से हुआ है। इस पर जो मतलब कि ग्राउंड लेवल पर चल रहा है ये फ्लाईओवर, देखो आप लोग तस्वीरें, तो यहाँ पर यही वर्क चल रहा है देखो। अब आर ई पैनल्स को लगाया जा रहा है और जैसे जैसे आर ई पैनल्स लगाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें कंपोनेंट और बेल्ट, फिर मिट्टी, फिर कंपोनेंट, फिर बेल्ट, फिर मिट्टी, इस तरीके से ऊपर बढ़ाते चले जाते हैं और फिर लास्ट में जाकर दोस्तों इसमें कंक्रीट की लेयर बिछा दी जाएगी, उसके बाद में दोस्तों ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा, ये नल लेन फाइनल हो जाएगी दोस्तों। देख सकते हो काफ़ी लंबा चौड़ा ये है जो कि बीच वाली लेन है, और बीच वाली लेन के लिए ही आप लोगों को ये आर ई पैनल्स देखने के लिए मिलेंगे देखो ये, क्योंकि जो मेन हिस्सा है दोस्तों एक्सिस कंट्रोल्ड होने वाला है थ्री लाइन इस साइड वो थोड़ा ऊंचा रहेगा और सर्विस लाइन ये नीचे रहेगी दोस्तों। देखो सारे में यही वर्क किया जा रहा है, तो आप लोग बता सकते हो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलो एंजॉय करो आप सभी। Thank you.
और यहाँ से दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से ये दिल्ली ख़त्म हो जाता है और यूपी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पैकेज टू स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अब पैकेज टू में सीगल इंडिया लिमिटेड कंपनी वर्क कर रही है दोस्तों, वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को दिखाएंगे। देखो किस तरीके से यहाँ पर ये जेसीबी मशीन लग रही है जो कि मिट्टी को एक सार कर रही है दोस्तों। और देखो यहाँ पर ये पानी निकलने के लिए देखो यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई है, उसके ऊपर ये रोड बना दी जाएगी दोस्तों। देख सकते हो आप लोग यहाँ से ये बिल्कुल मेन रास्ता स्टार्ट हो चुका है। देखो आप लोग तस्वीर है किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, वो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो। देखो आप लोग तस्वीर है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, पीछे तो आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रोड को बनाया गया है। यहाँ पर देखो ये कंक्रीट की लेयर बिछा दी जा चुकी है दोस्तों। यहाँ पर मशीन देखो ये एक सार कर रही है इसको। देखो ये कंक्रीट की लेयर बिछा दी है, अब इस पर रोड रोलर चलेगा। रोड रोलर चलने के बाद में इसको मिट्टी को एक सार करने के बाद में दोस्तों इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा, यानी कि DBM की लेयर चढ़ा दी जाएगी। देखो रोड रोलर ये रहा, ट्रैक देखो इस पे चल रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेसवे को बनाया, जो एक्सिस कंट्रोल्ड 6 लेन होने वाली है दोस्तों एक्सप्रेसवे की, उसका किस तरीके से काम किया जा रहा है आप लोग तस्वीरें देख सकते हो दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हैं ये ग्राउंड लेवल पर ही अभी काम चल रहा है और तेज़ी के साथ में किस तरीके से एक्सप्रेसवे पर काम किया जा रहा है, किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है दोस्तों, आप लोग तस्वीरें देख सकते हो। गावर कंस्ट्रक्शन और सीगल इंडिया लिमिटेड दोनों कंपनी मिलकर दोस्तों एक तो पैकेज वन में काम कर रही है और दूसरी पैकेज टू में काम कर रही है, मतलब पैकेज बन के टू में काम कर रही है दोस्तों। देखो ये मशीन लग रही है, ये देखो मिट्टी को एक सार कर रही है और आगे आप लोगों को बहुत लंबा चौड़ा अंडरपास देखने के लिए मिलेगा, वहीं पे यहाँ पर वर्क चल रहा है दोस्तों। देखो एक साइड की तो पुलिया बना दी है दोस्तों, मतलब कि फ्लोर वर्क कर दिया है, दूसरा साइड का अभी बचा हुआ है दोस्तों, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखो आप लोगों को उधर से दिखाते हैं चल के, देखो वहाँ पर वो जेसीबी मिट्टी भी उठा रही है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो पैराफिट बॉल लगाए गए हैं, वो देखो ये है। देखो पैराफिट बॉल लगा के फिर देखो यहाँ पर ये सरियाओं का जाल बनाते हैं, फिर उसके बाद में दोस्तों कंक्रीट की लेयर डाली जाती है, तब इसको मजबूत किया जाता है दोस्तों ताकि ये पैराफिट बॉल निकल ना जाए। फिर इस पर क्या, इस पर आप लोगों को बता दूँ सीमेंटेड रोड बना दी जाएगी, मतलब कि चलने के लिए फुटपाथ, जैसे फुटपाथ की तरह होता है वैसा बना दिया जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। आप लोगों को बता दूं कि इसमें से जो पुलिया बनाने का काम था दोस्तों, जो अंडरपास को बनाने का, जो फ्लोरिंग का काम करने के लिए था, उस पर देखो ये लेंटर डाल दिया है, देख सकते हो ये उस पर पहले ही पड़ गया था। सेकेंड ये रहा, अब तीसरा एक और बनाया जा रहा दोस्तों, जिस पर फाउंडेशन बना दिया है। दोनों दीवारें, अब दीवारों पर भी इसकी जो दीवारें हैं उसमें भी कंक्रीट भरा जाएगा। और इधर देखो जेसीबी आप लोगों को मिट्टी उठाते हुए नज़र आएगा दोस्तों, क्योंकि ये अंडरपास बनाया जा रहा। और आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जेसीबी मिट्टी पता क्यों उठा रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आरी पैनल्स को लगाया जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर ये मिट्टी उठाई जा रही है। और जैसे ही हम यहाँ से आगे की साइड में बढ़ेंगे तो आप लोगों को एक टोल प्लाजा भी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो पहले तो आप लोग एंजॉय करो इस को कि किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी मिट्टी उठा रही है दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें। Thank you.
अब यहाँ से दोस्तों देखो, ये टोल प्लाजा स्टार्ट हो चुका है जिसमें कंक्रीट की लेयर यहाँ पर बिछाई गई है दोस्तों। ये लेकिन ब्लॉक टॉप नहीं किया, कंक्रीट की लेयर बिछाई गई है। देखो दोस्तों ये वाले आधे में बिछा दी गई है, आधे अभी बिछाया जाएगा। और आप लोगों को टोल प्लाजा की बिल्डिंग भी देखो ये बन गई है, यहाँ पर इस पर भी काम हो गया है। तो अभी तो ये और बनाए जाएंगे, देखो जहाँ जहाँ मतलब कि कंक्रीट की लेयर बना दी है और आधी और अभी बनाए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये टोल प्लाजा की बिल्डिंग बनाई गई है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो जो बन के ऑलरेडी कंप्लीट सी हो चुकी है, आधा वर्क हो चुका है, आधा अभी किया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखो सीगल इंडिया लिमिटेड द्वारा इस टोल प्लाजा को बनाया जा रहा है दोस्तों, पैकेज टू में काम कर रही है सीगल इंडिया लिमिटेड दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, काफ़ी लंबा स्ट्रेच है, तो आप लोग बता सकते हो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। देखो काफ़ी लंबा चौड़ा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो कंक्रीट की लेयर बिछाई गई है यहाँ पर टोल प्लाजा के लिए दोस्तों, ताकि ये जल्दी से टूटता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कंक्रीट की लेयर बिछाई जाती है दोस्तों। और काफ़ी मजबूत होती है यार, काफ़ी मजबूती के साथ बनाई जाती है। देखो सारी मशीनें आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी टोल प्लाजा के अगल बगल में। और यहाँ पर देखो ये कुछ हिस्से में ब्लैक टॉप का काम कर दिया, यानी कि डीबीएम लेयर बिछा दिए दोस्तों। इधर देखो ये मिट्टी एक सार कर दी है, अब इसमें कंक्रीट की लेयर बिछाई जाएगी। देखो यहाँ पर, अब देखो किस तरीके से यहाँ पर ये बेल्ट लगाई जा रही है, तस्वीरें देख सकते हो, कंपोनेंट लगा दिया इन्होंने। अब देखो बेल्ट लगाने का काम किया जा रहा है, फिर उसके बाद में इस पर मिट्टी डाली जाएगी, मिट्टी डालने के बाद में फिर इस पर कंक्रीट की लेयर बिछाई जाएगी। देखो यहाँ पर ये मिट्टी डाल दिया ना, देखो बेल्ट के ऊपर मिट्टी डाली जाएगी, फिर इसको दबाया जाएगा, दबाने के बाद में दोस्तों फिर इस पर कंक्रीट की लेयर बिछाई जाएगी, उसके बाद में दोस्तों डीबीएम की लेयर बिछाई जाएगी देखो। और जो कंक्रीट की देखो ये बनाए गए हैं, ये कंक्रीट का बनाया गया है मसाले का, देखो ये मशीनें सारी यहाँ पर लग रही हैं, देखो किस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। ये टोल प्लाजा के लिए ही बनाया जा रहा है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से काम किया जा रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा चैनल सब्सक्राइब है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय।